तो इसी तरह हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता है। पीछे हम जितनी भी बातें डिस्कस करके आए हैं वो सारी बातें ही इस पेज पर लिखी गई हैं। अ सर्टेन बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्सेस ऑफ 20 न्यूटन 30 न्यूटन 40 न्यूटन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री रेस्पेक्टिवली विथ एक्स एक्सिस। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। हमें इस क्वेश्चन में भी हमें रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करना है। ये सारी फोर्सेस जो 20 न्यूटन 30 न्यूटन 40 न्यूटन ये एक एंगल के साथ एक ही पॉइंट पर फोर्स लगा रही हैं, जो पॉइंट है ये। अब हमें इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करना है। अगेन हम चार्ट पर फोकस करते हैं, जो हमारी फिगर है उसमें मेंशन किया गया है, उसमें नेविगेशन नेविगेशन दी गई है नॉर्थ इस तरफ, ईस्ट इस तरफ, साउथ इस तरफ एंड वेस्ट इस तरफ। तो याद रहे हम किस तरह करते हैं। सबसे पहले हमारा वेक्टर है 20 न्यूटन, जो कि एक 30 डिग्रीज पर फोर्स लगा रहा है। यहाँ पर देखें आप, 30 डिग्री पर फोर्स लगा रहा है। तो सबसे पहले हमें बताया गया रिस्पेक्टिवली विथ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के हिसाब से 30 डिग्री का फर्स्ट एंगल। तो हम फर्स्ट एक रेफरेंस एंगल देते हैं 30 डिग्री का एक्स एक्सिस के हिसाब से, एंड देयर इज आवर 30 डिग्री। ठीक है, तो उसकी लेंथ भी क्या है, लेंथ है 2 सेंटीमीटर। अब हमने इधर किस तरह किया, हमने इधर 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये स्केल है। ठीक है, ये हमारा मेंशन करना लाजिम होता है क्वेश्चंस में आंसर देने के लिए। उसके बाद सेकंड वेक्टर हमारा क्या है, 30 न्यूटन है, और इसका एंगल क्या है, 60 डिग्रीज। अगेन हम एक यहाँ डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि हमारी मेजरमेंट्स इजी रहे। ठीक है, और अगेन हम एक एंगल लेते हैं 60 डिग्रीज का और 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की इधर। फिर हमारे पास थर्ड वेक्टर कौन सा है, 40 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। मींस हम अगेन यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो हमारा एंगल लेने में हमें इजी होगा। एंड वी ड्रॉ अ लाइन ऑफ 4 सेंटीमीटर दैट रिप्रेजेंट आवर 40 न्यूटन फोर्स। ये हमारा लास्ट थर्ड वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम रिजल्टेंट, रिजल्टेंट में हमारा रूल है टेल टू टेल एंड हेड टू हेड। तो इस तरह हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर की जो लेंथ मिलेगी वही हमारी फोर्स होगी। हमें इधर जो लेंथ मिली है वो मिली है 8.2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है फोर्स टोटल कितनी हुई, 82 न्यूटन। वेक्टर सब्सट्रैक्शन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन बेसिकली एक फेमिलर कॉन्सेप्ट है एडिशन का। हम इसमें सब्सट्रैक्शन उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने पहले एडिशन की है, लेकिन सिर्फ फर्क यह है कि हमें साइन चेंज करनी होती है सेकंड वेक्टर की। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में माइनस बी, ब्रैकेट में माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वेक्टर ए ड्रॉ करते हैं, देन जो हमारा वेक्टर बी होता है ये सिर्फ बी है और हमें क्या ऐड करना है, हमें माइनस बी से ऐड करना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, माइनस वन से। तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, साइन चेंज होने के बाद इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो हम ए प्लस माइनस बी, जब हम दोनों का इस तरह ऐड कर देते हैं हेड टू टेल रूल के हिसाब से, तो आखिर में जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है हम उसकी हेड को लास्ट वेक्टर की हेड से और उसकी टेल को फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ ऐड करते हैं। तो इस तरह हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। फिर रिजल्टेंट वेक्टर की जो लेंथ होती है वही मैग्नीट्यूड होता है जो थर्ड वेक्टर है उसका, और डायरेक्शन हमें एरो से शो होती है। आपका शुक्रिया। आपको अभी भी कोई भी हमसे सवाल पूछना हो तो हमारी ईमेल एड्रेस गिवन है और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हाँ, दूसरी बात, आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट्स में भी मेंशन सवाल कर सकते हैं अपना। ठीक है, थैंक यू।